अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि जो हमने ड्राफ्ट काटा था या पैटर्न तैयार किया था हमने अपना अंडरवियर का ब्राउन पेपर पर, उसको हमने कपड़े पर कैसे काटना है। इसके लिए हमें चाहिए ब्राउन पेपर का वही ड्राफ्ट कपड़ा और कुछ पिंस ले करने के लिए ड्राफ्ट और सीजर्स। इसके लिए ऐसे ही है कि जो कपड़े की सीधी साइड होगी या जो नज़र आती है उसको हमने अंदर के रुख कर लेना है, और इसी तरह से पहले लंबाई के रुख वाली तय लगेगी और फिर ये चौरस। इस तरह से ये जो ख़राब एंडिंग्स हैं ये निकल जाएंगी। हमने कपड़े को भी बिल्कुल उसी तरह से रखना है कि ओपन साइड ये वाली अपनी तरफ और ये वाली ओपन भी बाई तरफ, और ये वाली साइड जब क्लोज्ड होगी। अब इसके ऊपर हम लोग रखेंगे जी ड्राफ्ट को। ड्राफ्ट को इस तरह से रखना है कि सिलाई का मार्जिन हो जाए। ड्राफ्ट या पैटर्न जो होता है वो एज़ इट इज़ होता है हमारी मेजरमेंट के, लेकिन ये जो कपड़े पर आते हैं तो हमें सिलाई का मार्जिन रखना पड़ता है। इसके लिए इस तरह से हम करेंगे और इसको हम लोग पिन अप कर लेंगे, या फिर इसको बोलते हैं ले, यानी कि ड्राफ्ट को कपड़े के ऊपर ऐसे रखने को बोलते हैं ले। इसी तरह से यहाँ पर इस साइड पर इसलिए नहीं मैंने रखा क्योंकि ये क्लोज्ड साइड है। लास्ट वन इधर से। अब हम इस पे मार्जिन रखकर निशान लगाएंगे। निशान आप चौक से भी, टेलर चौक जो होता है उससे भी लगा सकते हैं। इससे मैं इसे लगा रही हूँ ताकि ज़्यादा वाजे हो जाए। अब हमने मार्जिन देना है इधर से, इस तरह से हाफ इंच का। इसको मैं इस तरह से मार्जिन पे काट रही हूँ, इसी तरह से यहाँ पर। और इसी तरह से गुलाई करते हुए हमें हाफ इंच का यहाँ से भी मार्जिन रखना है। ये हमारी बन गई चारों तहों की कटिंग। अब हमने इसको इजीली काट लेना है। इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की मेरी कटिंग सीधी नहीं है, मेरी लाइन सीधी नहीं है, मेरी गुलाई सही नहीं है। वो इंशाल्लाह वक्त के साथ हो जाएगी। और मैं स्टिल अपने आप को कोई परफेक्ट नहीं मानती, लेकिन सीखते रहना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारे पास कट गई टोटल। अब हम इसको खोलेंगे क्योंकि हमें फ्रंट साइड जो है वो मज़ीद काटनी है। इसके लिए क्या करेंगे कि जी इसकी दो लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे, इस तरह से इसके भी दो को सेपरेट कर लेंगे। और फिर से यहाँ पर बाकी तो सारा हमारा सेम जाएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ से हमारा थोड़ा फर्क आएगा। वो हम अंदाजन भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम इसको साइड पर रखकर इधर से करना चाहें कि भाई मैं चंद पॉइंट की लाइन लगाऊं और फिर इसको यहाँ से ऐसे गोल कर लूं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये जहन में रखें कि आपने हमेशा दो को काटना है। दो एक साइड पर रह जाएंगी और दो को काटेंगे हम। लीजिए इसको हम खोल कर देखेंगे। ये देखिए वैसे ही सेम बन गया जैसा हमारा ड्राफ्ट था, लेकिन थोड़ा सा सिलाई के मार्जिन के साथ। ये देखिए ऊपर से वही 2 इंच का हमारे पास, सॉरी 0.75 का हमारे पास नेपे का जाएगा, और ये फिर तैयार होकर हमारे पास स्टिच करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।